welcome to Gayatri English Medium School, Sanchur. In our previous class, we have studied chapter 3rd of class 3rd. In today's video, we will going to do activity first. Aaj hum dekhenge activity first. A point is, write T for true and F for false statement. It means true line के लिए, true line यानि कि सही line के लिए, जो line सही है, जो हमने story में पढ़ी थी और story से related है, correct है, तो उसके लिए हम लिखेंगे T. और जो line गलत है, जो statement false है, उसके लिए लिखेंगे हम F. The number first is, the king was thirsty. King थ्रस्टी था. थ्रस्टी मीन्स क्या होता है? थ्रस्टी मीन्स प्यासा. थ्रस्टी मीन्स प्यासा. तो राजा प्यासा था. हाँ, हमने देखा था जंगल में वो जा रहे थे और जंगल में वो रास्ता भूल चुके थे, लॉस्ट हो गए थे, तो राजा को बहुत प्यास लगी थी. द किंग वॉज थ्रस्टी. द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द मिनिस्टर वॉज फैमिलियर विद द फॉरेस्ट. मिनिस्टर, मिनिस्टर कौन होता है? मिनिस्टर होता है मंत्री. मंत्री फैमिलियर था, फैमिलियर यानी परिचित था. किस चीज़ से परिचित था? फॉरेस्ट से, जंगल से. मंत्री को जंगल के बारे में सब पता था. पता था उसको कुछ जंगल के बारे में? नो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. यहाँ लिखा है कि मंत्री को जंगल के बारे में पता था, लेकिन मंत्री को असल में जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं था. The minister fed sugar to the deer. Minister ने fed किया. Fed किया यानी खिलाया. क्या खिलाया? Sugar. Sugar means क्या होती है? शक्कर. तो minister ने शक्कर खिलाई deer को. No. Minister ने तो क्या खिलाया था? Minister ने खिलाया था salt. Yes. तो this statement is false. ये statement कैसा हुआ? False हुआ. Next line is, the king got water. राजा को पानी मिल गया. यस, लास्ट में राजा को पानी मिल गया विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स विजडम. उसकी समझदारी से, मिनिस्टर की समझदारी से राजा को पानी मिल गया. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बी पॉइंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए क्वेश्चंस को आंसर करना है हमें. फर्स्ट वन इज, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द किंग. What was the name of the king? King का नाम क्या था? The name of the king was Somavarma. राजा का नाम था Somavarma. डायरेक्ट भी लिख सकते हो Somavarma, और आप फुल लाइन भी लिख सकते हो, The name of the king was Somavarma. Second question. Who didn't know whose language? किसको किसकी लैंग्वेज नहीं आती थी? लैंग्वेज यानी भाषा. किसको किसकी भाषा समझ में नहीं आती थी? द मिनिस्टर एंड द किंग, यानी मंत्री और राजा, दोनों को ही, डिडंट नो द डियर्स लैंग्वेज, दोनों को ही डियर्स की लैंग्वेज नहीं आती थी, यानी कि हिरण की लैंग्वेज, हिरण की भाषा उनको समझ में ही नहीं आती थी. होम डिड द मिनिस्टर सेट फ्री. मिनिस्टर ने किसको फ्री कर दिया, यानी किसको छोड़ दिया? द मिनिस्टर सेट फ्री द डियर. मिनिस्टर ने किसको फ्री कर दिया? डियर को. डियर कौन होता है? हिरण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द डियर गो. डियर कहाँ भागा जब उसे फ्री कर दिया गया? तो वो कहाँ भागा? हाँ, उसने बहुत सारा सॉल्ट खा लिया था, उसको बहुत सारा सॉल्ट खिलाया गया था, तो अब उसे क्या लगी थी? बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी, और उस प्यास को बुझाने के लिए वो कहाँ गया? इन सर्च ऑफ वाटर. The deer went in search of water. Search यानी खोज, water यानी पानी. पानी की खोज में वो दौड़ा. Now activity second. A point. Name two words on each petal which you find in the forest. Yes, here we can see, here are few petals. Petals means क्या होता है? Petals means होते हैं पत्तियाँ. ठीक है, जैसे फ्लावर्स पे पत्तियाँ होती हैं, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं पेटल.
तो यहाँ पर हमें 4 पेटल्स दिए हुए हैं, उन पेटल्स में हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर की लाइन लिखी हुई मिल रही है, जैसे ट्री है, बर्ड है, एनिमल्स है, फ्लावर्स है। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं कि फॉरेस्ट में यानी जंगल में कौन कौन सी ट्रीज़ मिलते हैं, कौन कौन से बर्ड्स दिखते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और कौन कौन सी फ्लावर्स होते हैं। तो हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ट्रीज़। तो हम फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज़ देखते हैं? मैपल ट्री, जैसे आपको ये पत्तियाँ दिख रही है, इसी साइज़ की जो लीव होती है उसको कहते हैं मैपल ट्री। उसी टाइप की लीव वाली जो पेड़ होता है उसे हम मैपल ट्री कहते हैं। तो हम मैपल ट्री हम देखते हैं फॉरेस्ट में ज़्यादातर होते हैं। नेक्स्ट इज़ बैनियन ट्री। व्हाट इज़ बैनियन ट्री? बैनियन ट्री होता है बरगद का पेड़, जिस पेड़ की यहाँ से जटाएँ निकली होती हैं, इस तरीके से लाइनें निकली होती हैं और वो लाइनें एकदम ज़मीन तक आ जाती हैं, यानी इस वे से बरगद के पेड़ की जटाएँ निकली होती हैं और वो एकदम नीचे नीचे तक आ जाती है, उस पेड़ को कहते हैं हम बैनियन ट्री। नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर। विच काइंड ऑफ फ्लावर्स वी फाउंड इन फॉरेस्ट? लिली, लिली हमें मिल जाता है फॉरेस्ट में, रोज़ भी हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। बर्ड्स, कौन कौन से बर्ड्स हम देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट में? डेफिनेटली पैरट भी दिखते हैं और पिकॉक भी दिखते हैं और मैनी काइंड ऑफ अदर, फॉर एग्जाम्पल पिजन, यस, तो ये भी फॉरेस्ट में ज़्यादातर दिखते हैं। एनिमल्स, कौन कौन से जानवर हम फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं हमें? फर्स्ट वन इज़ लॉयन, ऑफकोर्स शेर जंगल में ही रहता है, जंगल का राजा है, तो फिर फॉरेस्ट में हमें लॉयन देखने को मिलता है। बियर, बियर मीन्स भालू, भालू भी हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। और कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं? अगर आपको एक्स्ट्रा नाम पता है तो यू कैन राइट देयर। ओके, यहाँ सिर्फ 2 वर्ड्स कहे हैं लेकिन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से वेल प्रेजेंट करके और भी एनिमल्स के नाम, और भी बर्ड्स के नाम, फ्लावर्स के नाम और ट्रीज़ के नाम आप लिख सकते हो। नाउ बी, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द वर्ड्स एवरी गिवन इन द सेंटर टू द वर्ड गिवन इन द सर्कल। इट मीन्स हियर इज़ वन सर्कल, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? वन सर्कल, और हर सर्कल में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर पार्ट में कुछ वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो वर्ड क्या है? इनकम्प्लीट है। उसके साथ हमें क्या जोड़ना है? हमें एवरी उसके साथ जोड़ना है। जैसे एवरी के साथ डे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एवरी डे। एवरी के साथ हम वेयर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एवरीवेयर। एवरी के साथ हम थिंक जोड़ेंगे, थिंग यानी वस्तु, एवरीथिंग। एवरी के साथ वीक जोड़ेंगे तो एवरी के साथ वीक हो जाएगा तो एवरी वीक। एवरी के साथ मंथ हो जाएगा तो एवरी मंथ, एवरी मंथ। एवरी के साथ बॉडी और बॉडी जोड़ेंगे, एवरी के साथ बॉडी जोड़ेंगे तो आ जाएगा एवरीबॉडी। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इंटू 2 मीनिंगफुल वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया हुआ है, इसको हमें ब्रेक करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक? ब्रेक क्या होता है? ब्रेक मीन्स क्या होता है? एक तो हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हम ब्रेक लगाते हैं, वो ब्रेक अलग होता है। प्लस वन मोर ब्रेक इज, एक और ब्रेक कौन सा होता है? एक ब्रेक होता है किसी भी चीज़ के 2 पार्ट या किसी की चीज़ को तोड़ना। तो हमें इस वर्ड को तोड़ना है। अब इस वर्ड को हम कैसे तोड़ेंगे, किसकी हेल्प से तोड़ेंगे? हमें ये ध्यान में रखना है कि 2 अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड बने। मीनिंगफुल वर्ड यानी दोनों के अलग अलग अर्थ निकले, ऐसे हमें इसको तोड़कर 2 अलग भागों में डिवाइड करना है। फर्स्ट वन हमारा किया हुआ है इन साइड। इन साइड, फर्स्ट वन इज इन और साइड। इन प्लस साइड क्या होगा? इन साइड। सन लाइट, सन प्लस लाइट, सन प्लस लाइट, सन लाइट। आउट साइड, आउट प्लस साइड, आउट प्लस साइड, आउट साइड। लंच बॉक्स, लंच
प्लस बॉक्स, लंच प्लस बॉक्स, लंच बॉक्स। बुक शेल्फ, बुक प्लस शेल्फ, बुक प्लस शेल्फ, बुक शेल्फ। रूम मेट, रूम प्लस मेट, रूम प्लस मेट इज रूम मेट। टूथ ब्रश, टूथ प्लस ब्रश, टूथ एंड ब्रश, टूथ ब्रश। नेल कटर, नेल प्लस कटर, नेल प्लस कटर, नेल कटर। ट्यूब लाइट, ट्यूब प्लस लाइट, ट्यूब प्लस लाइट इज ट्यूब लाइट। बाथरूम, बाथ प्लस रूम इज कॉल्ड बाथरूम। नाउ पॉइंट डी, द वर्ड्स विद एल वाई आर यूजुअली नोन एज एडवर्ब्स। एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स। चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बाय एडिंग एल वाई टू देम। हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप सेंटेंसेस के हर एक सेंटेंस में एक ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है। इन वर्ड को हमें एल वाई लगाना है, इन वर्ड के साथ हमें एल वाई ऐड करना है। जब हम एल वाई ऐड करेंगे तब क्या होगा, जो भी वर्ड है उसके साथ अगर हमने एल वाई लगा दिया है तो वो वर्ड क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी वर्ड के पीछे एल वाई आया है तो वो वर्ड किस में आता है, एडवर्ब में। उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डैश द मिनिस्टर नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ डियर। एकदम से, अचानक से, जिसे हम कहते हैं तो सडन के साथ हम एल वाई लगा देंगे। सडन के साथ एल वाई ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, सडनली। सडनली द मिनिस्टर्स नोटिस अ फ्लॉक ऑफ डियर। अचानक से मिनिस्टर ने फ्लॉक ऑफ डियर देखा, यानी डियर का झुंड देखा। द न्यू शूज आर डैश मेड। नए जो जूते हैं वो बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं, नाइसली, नाइस प्लस एल वाई, नाइसली। अब ये एल वाई लग गया है तो ये कौन सा वर्ड बन जाएगा, एडवर्ब। यस, नेक्स्ट वन इज ही इज डैश स्मार्ट। ही इज रियल के साथ एल वाई लगेगा तो क्या हो जाएगा, रियली। ही इज रियली स्मार्ट, वो एक बहुत ही स्मार्ट है। लेट अस सिंग डैश सॉफ्ट। सॉफ्ट है तो उसके साथ एल वाई लगेगा तो क्या हो जाएगा, सॉफ्टली। सडन प्लस एल वाई, सडनली। नाइस प्लस एल वाई, नाइसली। रियल प्लस एल वाई, रियली। सॉफ्ट प्लस एल वाई, सॉफ्टली। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ यू विल डू योर वर्क विद वेरी नीट एंड गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू।